नरसी जी कहते हैं कि आपको इतनी देर क्यों लग रही है, बहुत देर तक मनाते हैं पर जब भगवान नहीं आते तब नरसी जी क्या करते हैं, जब चीजें उनके हाथ से बाहर निकल जाती है तो क्या करते हैं बताइए। केदार का जद मेहता नरसी जी ने करुणा करी तो द्वारिका में सुता सुता जा गया हरी। मध्य रात्रि का सुनता भगवान नींद से जागते सिर्फ केदार का राग सुनकर। अब इतनी कच्ची नींद में भगवान ऐसे चौंक कर उठे तो रानी तो रुकमणी खम्मा खम्मा ही करे कि हमसे क्या गलती हो गई, और मोती डारा थाल भर भर आरती करे काई मारी चाकरी में चूक पड़ी, अरे काची तो निद्रा में सुता जा गया हरी। तो सब माफी मांग रही है कुछ गलती हो गई कि आप कैसे जग गए क्या हो गया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी कहते हैं आपके सारे भक्तों पर आधी रात में ही भीड़ पड़ती है। भगवान कहते अरे मुझे के अब के अब मायरा ले जाना है। अब मायरे की बात आई कि सब रानियां एक दूसरे का चेहरा देखे और हंसे। भगवान कहते आप हंस क्यों रहे हो। रुक्मणी जी कहती आप मायरा भरोगे। बोले हाँ क्यों मैं नहीं भर सकता। रुक्मणी जी कहते शादी तो एक भी ठीक से नहीं करी, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, कोई विधि विधान से शादी करते तो पता चलता मायरा क्या होता है, नेकचार क्या होता है, और मायरा कौन भरता है, कौन भरता है, मामा। बोले सगे मामे को तो मार दिया, मायरा खुद के आया होगा तो पता चलेगा मायरा क्या होता है। भगवान कहते हैं नहीं आया तो कोई नहीं, सब भर जानू मैं, सब काम कर दू मायरे का। अब भगवान तैयारी करने लगते तो रुक्मणी जी सब कहती है कि प्रभु आप किसी राक्षस को मारने जाते हो हम आपके पीछे पीछे जाते नहीं, इस मायरे के काम में तो आप हमें ही साथ में ले चलो। जब से शादी हुई है मैली मैल में फिर रहे हैं, कपड़े घर में बहुत पड़े हैं, गहने घर में बहुत पड़े हैं, पर पहनकर दिखाएं किसे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज कथा में महिलाएं ज्यादा क्यों आती है, महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों होती है। महाराज कहते यही मौका है पैरों के दिखाने का, शादी आए दिन थोड़ी होती है पर कथाएं सत्संग तो आए दिन होते, अब इतने कपड़े कहां पहने। तो वो भी कहे कि भैया बाप में ले चलो तो हम कोई अच्छे जगह कपड़े पहन कर जाए अच्छे अच्छे ना, मैल ही मैल में पहन रहे खोल रहे पहन रहे खोल रहे। भगवान कहते ले तो जाऊं पर कुछ बातों का ध्यान रखना। रुक्मणी जी कहते कौन सी बातें। भगवान कहते हैं कि वहां ये मत सोच के जाना कि आप कौन है और मैं कौन हूं। भगवान कितनी सुंदर कि आप विचार करिए, निस्वार्थ प्रेम अगर किसी से सीखना होना तो भगवान से सीखे, इसको कुछ नहीं पड़ी। मैं हमेशा कहती हूं आप भगवान को मानो नहीं मानो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां इलेक्शन नहीं होते, उनको कोई डर नहीं मेरी कुर्सी चली जाएगी मैं भगवान नहीं हूं, वो आप मानो नहीं मानो वही भगवान रहेंगे, फिर भी वो आपके लिए कितना कुछ करता है। भगवान अपनी रानियों से ये बात कह रहे हैं कि थे तो यो जानो ला रानी पति मारो शाम, पर नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम। वहां आप इतनी बातें कर रहे हैं कि हम सज के जाएंगे और ये पहनेंगे और वो पहनेंगे, और आप तो फिर कोने में खड़े रहेंगे, कभी पल्ला ठीक कर रहे हैं, कभी हार ठीक कर रहे हैं, कभी कान का ठीक कर रहे हैं, और इतने में आकर उसकी सासू कह देगी खड़ा क्या हो झाड़ू फाड़ू तो काढ़ो, और आप कह देंगे हमें ऐसे कैसे बोला, तो फिर नहीं जाना क्योंकि अगर बोल दिया तो काढ़ना पड़ेगा। और ये भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि वो भगवान के तो मैं भी करूंगा, वहां ये सोच कर नहीं जाना कि आप कौन है और मैं कौन हूं।
भगवान के तरफ सबसे पहले जाते ही दादी सासू के पगे पड़ जाइए और पैरे में से हाथ मत हिलाना। आजकल कहते ना कि पहले प्रणाम कैसे करते थे या धूप कैसे लगाते थे, बताओ आजकल कैसे लगाते हैं? तो भगवान भी यही कह रहे कि वहां पर ऐसे मत करना, अच्छे से पैरों को दबाना और तब तक जब तक वो खुद आपको ना कह दे कि वाओ वाओ वाह, तब तक पीछे मत हटना, क्योंकि अगर पीछे समय से पहले हट गए तो भी ओलमा मिल जाएगा। और भगवान कहते हैं देवरानियां जिठानियां ने तो जी का रो दीजो, उनको तो जी कहकर बुलाना, जी सा, और नानी बैरी ननदोली सू डरताई रही जो, ननद जैसे ही आती हुई दिखे संकट कटे भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर देना, बाद में तकलीफ बहुत हो जाती है। रुक्मणी जी कहती हमको सब ज्ञान है, जाइए मायरा लेकर जाइए। भगवान यहाँ तैयारी कर रहे हैं, भगवान ने कुबेर का भंडार खुलवाया था। और भगवान कहते हैं कि इतनी सुंदर बात कही गई है कि भगवान ने जब बाजार खुलवाया तो भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसे कपड़े दिखाओ, ऐसे गहने दिखाओ जो मेरी रानियों ने आज तक ना पहने, मुझे भक्त के काम में जाना है। भगवान सब तैयारी कर रहे हैं। नानी बाई के पास क्या हो रहा है? नानी बाई के घर में तो राड मच गई, समय हो गया ना, लाओ कहा मायरा, लाओ कहा मायरा। नानी बाई ने जल का कलश उठाया, पानी भरने चली, पीछे से सासू चिल्ला रही है कहां जा रही है कहां जा रही है। उनकी पड़ोसन रहती थी ऊपर के तल्ले पे, उसका नाम था प्रेमली, नाम प्रेमली है, प्रेम इतना सा भी नहीं। वो और 10 बार चिल्ला रही है, अरे तुम्हारी सासू आवाज लगा रही है कहां जा रही है। नानी बाई तो उस दिन नानी बाई एकदम हार गई थी, और वो कहती है कि या तो अब भगवान आए वरना मैं पलट कर वापस नहीं जाऊंगी, आज मैं यही डूब कर मर जाऊंगी। ये विचार आई रहे उसके मन में कि वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पर एक सुआ बैठा था, सुआ यानी तोता। तो नानी बाई उससे बात कर रही है, उससे कहती है उबी बाई सर्वरियेरी पार, ऊंची तो चटे नीची उतरे, यानी देखने की कोशिश कर रही है रास्ता, इतना ऊंचा चढ़ नहीं पा रही है। तो उस तोते से कहती है सुवटिया तू धर्म को भी देखे झुलरिया ने आव तू, कि देखो आ रहा है क्या। वो एकदम ऊपर जाकर बैठता है और क्या कहता है, झिनी झिनी उडरे गुलाल झमके छे जूनागढ़ रे मारेगा। वो कहता है कि धूल तोड़ रही है, ऐसा लग रहा है कोई राजा का रथ आ रहा है। नानी बाई कहती है रथ में कौन बैठा है वो मुझे बता। तो कहता है रथ में बैठिया रथ में बैठिया श्री गोपाल रूप निहार्यो रण छोड़ को। अब तो नानी बाई दौड़ती हुई रथ के पास गई, सामने आकर खड़े गए। नानी बाई कहती है देखिए उसको विश्वास नहीं हो रहा, तो वो इतने प्रश्न कर रही कि अंत तक मतलब इस बार गलती ना हो जाए मुझसे। तो कहती है थे छो बीरा कठेरा सिरदार किनरे तो जास्यो बीरा पाहुड़ा, कि आप कहां के हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, किसकी मेहमान हो। रुक्मणी जी कहती है स्वामी महारा मथुरा रा सिरदार द्वारावती रा राजवी, यहां क्या करने आए हैं, भरनो महाने माहिरो अंजार, अंजार नगर में मायरा भरने आए हैं। उसको अभी भी नहीं लग रहा
तुम ये भी कोई भी है जाने वाला तो कहते हैं कि हम यहाँ पर मायरा भरने आए हैं। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हो सकता किसी और के घर भरने आए हो, तो फिर प्रश्न कर रही है कि किसके घर भरने आए हैं। रुक्मणी जी कहती है श्री रंग जीरा मेछा मिजमान नरसी मेहता संग पाहुड़ा नानी बाई करसी मारो चाव इनविद गीत सुहावना। नानी बाई जी ने जब अपना नाम सुना है जो प्रसन्न हुई है भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं अरे यही है नानी बाई। रुक्मणी जी जाकर नानी बाई को हृदय से लगाती है। सब देव पुष्प की वर्षा करते हैं कि धन्य है तू नानी बाई जिस लक्ष्मी के चरणों में हम सब लोटपोट होते हैं फिर भी हमको ये सौभाग्य नहीं मिलता। वो लक्ष्मी आपको हृदय से लगा रही है और क्यों ना धन्य हो भगत की बेटी है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। नानी बाई कहती है अब देर मत करना मेरे घर वालों ने बहुत सुनाया मुझे। भगवान कहते तू जा मैं नरसी जी को लेकर आऊ। अब तो नानी बाई उमंग हिया सुन रिद सिद्ध की बात जल भरती थी छान के आज अनछान्यो ले जा। वो रोज जल छान के ले जाती थी बहुत चिल्लाते थे वो आज उसको पड़ी नहीं। आज कहती कौन सामने आता अब बताती हूँ मैं। भाई आ गया भाई पावर आ गया। तो नानी भाई अब घर पहुंची तो उस ऊपर से पड़ोसन वो खड़ी रहती है कि कब कलेश कराऊं मैं किसी घर पे। तो ऊपर से चिल्लाती अरे नानी माँ देख तेरी बड़ी बहू अब आई है ब्याह के घर में कोई चिंता ही नहीं है कब पानी भरने गई और अब आई है। नानी भाई कहती है प्रेमली अपने घर की पंचायती राख। नानी भाई कभी जवाब नहीं देती थी तो सबको यही था कि ये तो कुछ बोलती नहीं है। वो कहती अरे मुझे जवाब दे दिया। तो उसके बाद से वो क्या फैला रही है वो कहती है अरे नारायणी माँ देख तेरी बड़ी बहू बदल गई। बदली भी कैसे कि के तो या नानी बाई कोनी कोनी मतलब के तो या नानी बाई कोनी के इमे कोई बढ़ गयो। बढ़ गयो मतलब आत्मा घुस गई कोई। नानी बाई घर पहुंची तो वो सासू चिल्लारी कहां गई थी बहू सब काम छोड़ के चले गई सब काम कौन करी। नानी बाई कहती शादी का घर मेरा ही है कि आपका भी है थोड़ा सा काम में आप ही हाथ लगा लो तो शरीर में बॉडी तो नहीं भरी जाए। मुझे कह दिया ये प्रेमली वाली बात है के तो या नानी बाई कोनी कहीं में कोई बढ़ गयो। फिर आई ननद बाई केश लंबा करके उनके अलग और पूरे घर में हल्ला मच रहा है मेरा ये कहाँ है वो कहाँ है श्रृंगार कहाँ रखा ये कहाँ है। वो भाभी को देखते ही कहती है कहाँ गई थी मेरा श्रृंगार कौन करेगा गीत गाने की बेला है अभी। नानी बाई कहती बेटी की माँ तो पानी भरने गई है ये नए श्रृंगार वाले मारवाड़ी में ध्यान से सुनना समझ जाओगे। नानी बाई कहती है चूल्हा माते राख मुंडाऊ पोतले तभी श्रृंगार हो जाई थारो। आया समझ में हाँ ये बातें बड़ी समझ आ जाती है। तो ननद कहती माँ मने भोजाई यहां बोले माँ कहती मैं खुद भुगतेड़ी हूं भाई आज ये सबको जवाब दे रही है। सासू कहती है नानी बाई हुआ क्या बोले मेरा भाई आ गया। सासू कहती है कि के तो तुम्हारे पिताजी आए थे वो साधुओं को लेकर और बचे कुचे को भाई लेकर आ गए। नानी बाई कहती है मेरा भाई तो माल लेकर आया है बुजाइयों को अब टाइम पास मत करो तैयार मेरा भाई आने वाला है
अब तो पूरे घर में उसने हल्ला मचा दिया, सबको तैयार होने भेज रही है, मेरा भाई आने वाला है, भाई आने वाला है। नरसी जी के पास क्या हो रहा है? नरसी जी बैठे हैं, अभी तक नहीं आया। वो तो अंत तक था ना विश्वास है, उनको से लग रहा है कि मेरी बात जा रही है, आया क्यों नहीं अभी तक। इतने में सूरदास जी कहते हैं, नरसी जी एक आवाज आ रही है। बोले कैसी आवाज? बोले रास्ता में अपनी गाड़ी टूटी थी ना। बोले हाँ। बोले किसने सुधारी? तो बोले वो खाती आया था ना। बोले हाँ। बोले उसकी आवाज आ रही है। तो नरसी जी सच में ऊंचा थोड़ा देखते हैं तो भगवान सच में आ रहे थे गाठड़ी उठाकर। नरसी जी पहचान गए। नरसी जी कहते हैं अब आया है, इतना रोया गाया नाचिया, टांगई टूट गई, अब कोई जरूरत नहीं। अब भगवान आए हैं तो नरसी जी थोड़ा नखरा दिखा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं उनसे, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आंख बंद कर ले रहे हैं। आवत देखियो सावल नरसी, बैठियो छेरी साई, अरे ले जा थारी गांठ, तू तो आयो शर्म गमाई। वो कह रहे बेटी के ससुराल से इतनी बार बुलावा आ गया, अब आ रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती करा के आना था तो नहीं आता। देखिए भगवान सब सुनने को तैयार है, सारे नखरे सहने को तैयार है, पर भगवान को पता है कि अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि वहां जो बैठी है वो बहुत दुखी है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान कहते जितना ज्यादा होगा ये उतने नखरे दिखाएगा। भगवान कहते छोड़ो भाई, मुझे पता होता कि नरसी इतने नखरे दिखाएगा तो यहाँ आता ही क्यों, चालन लागियो। भगवान गाठड़ी उठाकर जाने लगते हैं। भगवान को जाता देख नरसी जी कहते हैं, नरसी जी जानियो रे लायोड़ी ले जा, कि जो लेकर आया है खुद तो जा रहा है वो भी लेकर जा रहा है। नरसी जी आते, मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान कहते मैं भी मजाक कर रहा था, अब चलो देर मत करो। अब यहाँ पर रथ पर सब बैठकर आ रहे हैं और वो तो छत पर ही खड़ी है नानी बाई। नानी बाई कहती है, देखो जी सासू जी भारे पिहर रो परिवार, राम जी देखो जी सासू जी भारे पिहर रो परिवार, रथ में बैठियो सावल भइयो हो जाया खेलाए राम जी, रथ में बैठियो सावल भइयो हो जाया खेलाए, हीरो जी के पाग ऊपर सेव रो झलके, राम जी हीरो जी के पाग ऊपर सेव रो झलके, हो जाया रे शीश ऊपर चूतड़ी चमके राम जी, हो जाया रे शीश ऊपर चूतड़ी चमके। और अब विराम होने वाला है तो एक बार अंतिम बार ये दो लाइनें गाना सब मिलकर एक साथ पूरे लंबे लंबे हाथ उठाकर, भगत बचल प्रभु सारे सब काज की, भगत बचल सारे सब काज, हरि नाथी बैरे माए राजी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राजे, राम जी ने लाज देने नारायण हरि हरि। अब यहाँ पर भगवान बैठते हैं, नानी बाई को अपने पास बुलाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान को उन्होंने बैठने की जगह नहीं दी थी, उनको पता नहीं है ना इतना मायरा लेकर आए तो किसने बैठने की जगह नहीं दी, सब खड़े हैं क्योंकि पहले से जमीन पर नहीं बैठते थे, आसन देते थे, किसी ने नहीं दिया। भगवान कहते छोड़ो भाई इनके भरोसे हूँ क्या, तो उनको कोने में एक दरी दिखती है, भगवान खुद जाते हैं दरी उठाते हैं, दरी बिछा रहे हैं खुद के बैठने के लिए। तो उस वक्त क्या हुआ सुनिए। धरती ने सोचा कि ये जितने खड़े ये मूर्ख हैं, इनको नहीं पता कि ये कौन है, मुझे पता है ना, मैं कैसे बैठने दे दूं। तो बैठा हरि जी जाजम ढाल नौ गज धरती,
दल चढ़े। धरती ऊंची हो गई थी, क्यों? कि बोले वो बैठेंगे तो सिंहासन पर, नीचे तो नहीं बैठने दूं। फिर भगवान नानी बाई को अपने पास बुलाते हैं। नानी बाई ने निकटे बुलाए, हाथ धरियो है हरि जी शीश पे। भगवान कह रहे कि बताओ क्या क्या भरना है, मुझे तो पता नहीं ना कौन किसके रिश्तेदार है। तो नानी बाई पहले डरती है, पर भगवान कहते अरे जैसा मन वैसा मांगना, मैं तेरे दरबार में आया हूं, मैं तेरी मदद करने आया हूं, भाई आया है। तब नानी बाई कहती है बडोडी सासू जी ने सावटो वेश और धाई ससुरा जी ने जरिया हंदो खेस। ससुरा जी ने उड़ा दी जो लाल बनात और सासू जी ने वेश दी जो पूरी सात। लिखिया रे परवाने दी जो सारी बस्ती कि जितनी पत्रिकाएं आई वो तो पूरी भरना और पूरे गांव को मायरा मिलना चाहिए, सिर्फ मेरे परिवार को नहीं पूरे गांव को। लेकिन इन नारायणो देवरिया ने तो दी जो ही मती, सबको देना इसको नहीं देना। जब छोटा सुनाता है ना ज्यादा तकलीफ होती है, बड़े सुनाए इतनी तकलीफ नहीं होती। उनको लग रहा इतना सही है, ये मुझे सुनाता था, इसको कुछ नहीं देना। तब भगवान कहते हैं सुख सारण हरि मुलक मुख दियो शीश पर हाथ। बाई देवर टालिया हल्की लागे बात। पूरे गांव को देंगे और सगे देवर को नहीं देंगे, छोड़ अब जैसा भी हम बड़े बन जाते हैं। आइए भगवान अब मायरा भर रहे हैं, सभी से निवेदन अपने स्थान पर ही बैठे रहे, जो मायरदार है सिर्फ वो ही खड़े रहेंगे। मायरदार पधारो, मायरारी बेला आई चुनड़ी बाई ने उड़ाई, चंगे मंजीरा बाजे आंगड़े।